गाइस क्या हालचाल। तो यार सब हालचाल तो ठीक ही हुआ यार। तो यार रोज़ की रोज़ वीडियो आती रहती है, और अगर आपने AMD और इंटेल प्रोसेसर की वीडियो नहीं देखी तो यार जाओ यार, तुरंत देखो यार। साइड वाले आइकन पे क्लिक करना भाई, साइड वाले आइकन पे दिखते रहेगा, कोई बात नहीं, जाके देख लो यार। तब फिर आओ यार यही देखो। फिर यार चलते हैं यार, बच्चे और बूढ़ों को प्रणाम, चलते हैं यार। तो यार पहली खबर आई है यार वन प्लस से, वन प्लस 9R लॉन्च हो गई यार चाइना में। अब मैं भी यही सुन के बहुत स्तब्ध हो गया हूँ कि भाई इंडिया में लॉन्च हुआ, बाद में चाइना में लॉन्च हुआ, ये चीज़ समझ के भाई मैं क्या कहूँ, छोड़ो। फिर यार भाई दूसरी खबर आई है यार IQ 7 से आई है इंडिया में यार। दरअसल उसकी चेंजिंग होगी, नाम चेंज हो जाएगा, IQ Neo 5 होगी, जिसकी यार बजट बताई गई है 40,000, और स्नैपड्रैगन 888 की प्रोसेसर के साथ आई है। आई यार देखा जाएगा सब चीज़ के लिए। फिर यार सैमसंग से आई है सैमसंग गलेक्सी S22 लीक हुई है भाई, और जिसकी भाई तुम फ़ोटो देखोगे यार एकदम चौंक जाओगे। मतलब 200 मेगापिक्सल की कैमरा है उसमें, कौन सा आदमी यार कितना जूम करोगे यार तुम, 200 मेगापिक्सल की कैमरा है भाई, क्या मतलब, छोड़ दो भाई बात, 200 मेगापिक्सल ये बताओ कैमरा है आपका, कह रहे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चलो या फिर यार चौथी खबर है यार अमेजोन से, अमेजोन इको बर्ड्स लॉन्च किया है, सेकंड जनरेशन की है, बेटर डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी अच्छी है, फ़ोटो देखिएगा डिज़ाइन अच्छी है, बट ये और ANC इसकी परफेक्ट है, नॉइस कंसोलेशन है, बहुत मस्त है, बट यार अपने इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होगी देखा जाएगा, और प्राइस इसकी है $99, मतलब 99 का यार 100 हो जाती है डॉलर, ठीक है यार आएगी देखा जाएगा। फिर यार वही अगली खबर आई है गलेक्सी बुक प्रो से, सैमसंग की गलेक्सी बुक प्रो आई है, प्रो 360 है, मतलब फुल नेम है यार सैमसंग गलेक्सी बुक प्रो 360 की रेंडर लीक हुई है। ये तो अभी यार फुल स्पीसीज नहीं दिखाई दी है, बट आप फ़ोटो देखिएगा, फ़ोटो में है, और इसकी लॉन्चिंग डेट तो भाई 28 अप्रैल है, आपको पता है कि उसकी लॉन्चिंग डेट इवेंट पे ही फिक्स है, इवेंट इसकी 28 अप्रैल को है, जो मैंने आपको कल बताया था सैमसंग अनपैक्ड बॉक्स यही वही हुआ था। तो यार देखा यार देखा आ जाए आएगा यार देखा जाएगा। फिर यार वही छठवीं खबर है यार Realme 8 से, Realme 8 5G लॉन्च होगी विथ इंडिया फर्स्ट गेमिंग फ़ोन के मामले में, मतलब इंडिया फर्स्ट हेड MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ, मतलब इंडिया में भी ऐसी प्रोसेसर आई नहीं है। तो यार रियलमी है यार, कुछ भी निकाल सकती है, कोई मोबाइल निकाल सकती है। तो यार डायमेंसिटी MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आएगी, 22 अप्रैल को लॉन्च होगी, और ऑफिशियल फ्लिपकार्ट पे बेची जाएगी, आएगी यार देखा जाएगा। फिर यार वही अगली न्यूज आई है यार मोटो से, मोटो G60 और G40 की रेंडर लीक हुई है, G40 फ्यूज़न लीक हुई है, कुछ फ़ोटो लीक हुई है, और अभी तो कुछ बताया नहीं गया है, तो स्नैपड्रैगन सिर्फ बताया गया स्नैपड्रैगन 732G की प्रोसेसर लगेगी, ठीक है यार इसकी भी सही है, ठीक है यार। मोटो के अभी फ़ोन आए नहीं यार, मोटो भाई मोटो हो रहा है, मतलब फ़ोन निकाल रहा है तो लगातार ही निकाल रहा है, MI को टक्कर देने सोच रहा है, जैसे भाई कल तो अंडरटेक हो गया, अंडरटेकर मतलब क्या कहे, ओवरटेक हो गया वीवो और ओप्पो में, ठीक है यार आएगा यार देखा जाएगा, कंपनी आगे बढ़ रही है, ठीक है। वही यार ओप्पो से खबर आई है, ओप्पो की A74 5G लॉन्च होगी, लॉन्च डेट इंडिया में दिखाई गई है यार, अप्रैल की इंड में दिखाई गई है, बट प्राइस इसकी है 20,000 रुपये, ठीक है 20,000 में एक फ़ोन आ रही है तो सही है, बट इसकी जो कैमरा है, कैमरा प्रोबेबिलिटी हम नहीं सही बताते, एक फ़ोन की बात कर रहे हैं, 48 मेगापिक्सल की फ़ोन है, और फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का, तब भी यार सही है। वैसे कुछ दिनों पहले ही बताई गई थी कि ओप्पो की A93 शायद ही लॉन्च होगी, अभी तो नहीं पता है, बस उसकी रेंडर पता नहीं चल रही कि हाँ लीक हुई है, बट अभी कंफर्म नहीं कि हाँ A93 आएगी, बनेगी नहीं बनेगी,
ठीक है यार, आएगी यार, देखा जाएगा। वही यार, TCL की आई है। TCL भाई फोल्ड फ़ोन बना रही है, वो भी सोचिए, एक नहीं दो नहीं तीन तीन फोल्डेबल फ़ोन है। मतलब एक में एडजस्ट किया गया है इसको थ्री टाइप्स में, मतलब आप सिंगल फ़ोन भी एडजस्ट कर सकते हैं, डबल ट्रिपल ट्रिपल फोल्डेड, एक रिमूवल फोल्ड रोल फ़ोन हो रही है। ठीक है यार भाई, फ़ोटो देखिए, फ़ोटो आपको अच्छा लगेगा। फिर यार वही है, अगली खबर गेम से आई है। गेम में भाई इपिक गेम रहती है कंपनी, इपिक गेम जिसकी फोर्टनाइट गेम है। ठीक है यार, इनकी यार इन्होंने राइज की है $1 बिलियन। कंपनी इनके राइज हुई है $1 बिलियन से राइज हुई है भाई। ठीक है यार, कमाई भी कर रही है सब चीज़ भी। वैसे पबजी का भाई, पबजी का हाल बता देता हूँ कि पबजी यार लॉन्च होगी, मतलब री लॉन्च कहते हैं उसको, री लॉन्च होगी भाई, देखा जाएगा आएगा सब, इतना कन्फर्म है भाई आएगा अपने इंडिया में। मगर ये पबजी ऑफिशियल बोली थी कि मुझे इंडिया में कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, बट इन्वेस्टर एक कंपनी ने लिंक डीएम में डाला है, इन्वेस्टर देखिए कौन आता है। बेंगलुरु में इसकी ऑफिस ऑफिस बताई गई है, बट कि कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। जिस दिन इन्वेस्टर मिल जाएगा भाई, उस दिन इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट तो परमिशन दे देगी, बट देखा जाएगा यार। फिर यार वही 11वीं खबर आई है यार रियलमी से। रियलमी Q3 का कुछ फीचर लीक हुआ है, रियलमी Q3 लॉन्च होगी जल्द ही। बट मैंने आपको कहा था कि रियलमी डायमेंसिटी 1100 के साथ कोई फ़ोन लॉन्च करेगी, बट यही फ़ोन है रियलमी Q3 की डायमेंसिटी, मीडिया टेक डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगी। और इसकी रिफ्रेश रेट बताई गई, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 120Hz डिस्प्ले रेट है, 65 वाट की चार्जर है, 45 mAh की बैटरी है। सही है यार, तब भी एक बात कहूँगा गेमिंग के मामले में, गेमिंग फ़ोन सही है। ठीक है यार, एक गेमिंग फ़ोन के लिए ये। फिर यार वही अगली खबर आई है फिर गेम से। COD गेम में Season 3 का पासिस आ गया है, वो आउट हो गया 17 अप्रैल को, देखिएगा। टोक्यो एस्केप पे आई है, ठीक है, Season 3 की पास आएगी 17 अप्रैल को, जाइए चेकआउट कीजिएगा 17 अप्रैल को ही। फिर यार 13 खबर है फेसबुक से। फेसबुक साइन की है रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्ट की है भाई इंडिया में, जो कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जैसे रहता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, से इलेक्ट्रिक हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, सोलर सोलर हुआ, और इसे पवन ऊर्जा हुआ, ये सब मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब इन्वेस्ट की है, मतलब साइन की है। अब देखिए कब कब अपनी, मतलब बेंगलोर में कंपनी पे साइन की है, देखिए इंडिया में ग्रो करेगी अब फेसबुक भी। फिर यार वही 14 खबर है यार IQT से। IQT नई नई फ़ोन निकालेगी इंडिया में, अभी तो बस खाली नाम आया कि IQT कंपनी आ रही है, मतलब लॉन्च होगी जल्द ही। फिर यार वही 15 खबर आई है यार वावे से। वावे लॉन्च कर रहा है न्यू टैबलेट ऑन किसके दिन भाई, जिस दिन एप्पल का इवेंट रहेगा, स्प्रिंग लोडेड इवेंट जिस दिन है, तो ठीक है यार लॉन्च करेगी 26 अप्रैल को लॉन्च होगी न्यू टैबलेट इसकी। फ़ोटो दिखेगा, फ़ोटो तो अच्छा लगेगा आपको। फिर यार वही आई है AMD, मैंने आज कहा कि मैंने वीडियो डाला है AMD प्रोसेसर पे, जाके देखिएगा एक बार क्या डिफरेंस है आपके में। तो यार AMD अनाउंस की है एक CPU लॉन्च, एक CPU बना CPU लॉन्च करेगी जल्द ही। उस अनाउंस की है Ryzen 5 5000G के साथ, जी सीरीज के साथ, और विथ ग्राफिक CPU है, ग्राफिक विथ ग्राफिक के साथ, बेस्ट ग्राफिक, बिल्ट इन ग्राफिक है, गुड है एक तो। बट इसकी प्राइस बोली नहीं गई है, लॉन्च होगी जल्द ही। तो यार आज के लिए यार इतना ही, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय करने का मौका आ गया है, कल मिलेंगे नए खबर के साथ, और तब तो मिलेंगे, अगर कोई ना कोई इंटरेस्ट वीडियो आएगी तो ज़रूर बनाऊंगा, देखा जाएगा भाई, चलिए कल मिलते हैं, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ये टोनी कशाला था हम लसरे वाजव की।